Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that you have 2 months left, snap के लिए, तो ये वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले कि at this stage what should be your snap strategy. So this video is beneficial for everyone, irrespective of whether you are preparing for CAT, कि CAT का preparation चल रहा है side by side, अभी snap का कर रहे हो, या CAT खत्म होने वाला है, फिर मैं snap का करूँगा या करूँगी, पर मैं CAT का कर रहा ही नहीं था, मैं सिर्फ CET का कर रहा था. या फिर मैं किसका भी प्रेप नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन स्नैप. सो दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. डू चेक आउट द वीडियो टिल द वेरी एंड, ठीक है, क्योंकि एंड में एक बोधी विजन करके हम लोगों का रिविजन शीट है जिसके वजह से तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है, तो वो भी हम लोग एंड में डिस्कस करने वाले. बिफोर वी जम्प इन द वीडियो, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू बैच फ्रॉम 30th of October. अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे नॉन कैट बंडल्स आर लाइव, ठीक है, बीट सीईटी, बीट सीमैट, स्नैप, जैट, टीसनेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई एग्जाम तुम्हारी एज अ बैकअप दे रहे हो, तो सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव. बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स, डू चेक आउट द ट्रायल लेसन. ट्रायल लेसन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी. लेट अस जंप इन द वीडियो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेप. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि कोई कैट के लिए प्रेप कर रहा था, कोई सीईटी के लिए प्रेप कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई किसके लिए भी ये प्रेप नहीं कर रहा है एंड इज ओनली प्रेपिंग फॉर स्नैप. इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बोट यू आर इन, तुम है क्या करना है, हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर प्रेप. ठीक है, कि अभी हमारे पास 2 महीने, स्टार्ट विद अ डायग्नोस्टिक मॉक, एक स्नैप का मॉक देखे देखना है. बेसिकली स्नैप में 60 questions in 60 minutes, राइट, तो स्पीड भी लगता है और डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं है. एट द सेम टाइम कहीं पे भी तुम्हें लगा कि नो आई एम स्टक एट दिस क्वेश्चन, यू नीड टू बी एबल टू मूव ऑन, तो वो सब जमना चाहिए, उसके लिए डायग्नोस्टिक मॉक देना है, दैट इज वन. नंबर टू, डायग्नोस्टिक मॉक से हमें क्या समझेगा कि हमारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है. इस पर ज्यादा मॉक्स वेस्ट मत करो, एक ही मॉक से डिसाइड करो. ठीक है, कि जो पहले से प्रेप कर रहे हैं उनको तो आइडिया रहेगी कि मैं कैट के मॉक्स दिया था या कोई और एग्जाम एन मैट के भी मॉक्स दिया था, तो उसके बेसिस पे भी तुम्हें आइडिया रहेगी कि वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. बट इवन देन एक स्नैप का मॉक दो, क्योंकि स्नैप में फिर अलग से स्ट्रैटेजी लगेगी, क्योंकि 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स है. तो बेसिस दैट मेक अ टेबल प्रॉपर कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है. ठीक है, एक प्रॉपर टेबल बनाओ कि ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रेंथ्स है, ये टॉपिक्स मेरे वीकनेसेस है. ऑलराइट, हैंस राइट द डायग्नोस्टिक मॉक. कमिंग टू पॉइंट नंबर टू, टीबीटी मैट्रिक्स. तो हमने एक सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीबीटी मैट्रिक्स बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे हम लोग, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल लगा. रीजन बीइंग हमने क्या किया था कि बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाया था. ऑलराइट, सो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑलराइट, ये है इजी टॉपिक्स. तो ये है क्वाड्रेंट वन, कि ये इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है, तो ये क्वाड्रेंट के सबसे पहले तुमने टैकल करने चाहिए टॉपिक्स. देन कमिंग टू क्वाड्रेंट टू, वो इंपॉर्टेंट है पर डिफिकल्ट है. क्वाड्रेंट थ्री इजी है पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वाड्रेंट फोर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेंट के लास्ट के लिए रखने हैं हमें टॉपिक्स. ठीक है, तो अलग से हम लोग अभी स्नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीबीटी मैट्रिक्स बनाने वाले, कॉन्स एल आर वर्बल के लिए. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोलो कि वो हेल्पफुल रहेगा क्या तुम्हारे लिए, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीईटी का देख सकते हो. ऑलराइट, तो तुम लोग क्या करोगे, अभी डायग्नोस्टिक मॉक में जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, प्लस टीबीटी मैट्रिक्स में जो क्वाड्रेंट वन के है या क्वाड्रेंट टू के है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैप करो एंड स्टार्ट योर प्रेप अकॉर्डिंगली. ऑब्वियसली कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ है तो वी कैन इग्नोर. स्ट्रेंथ को तुम लोग क्या कर सकते हो कि डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम के क्वेश्चंस देखो, ठीक है, या अग्नि परीक्षा की क्विजेस दो, बट तुम्हारे पास कुछ और मटेरियल रहेगा उसमें से रिविजन करो. बट स्ट्रेंथ वाले तुम लोगों ने कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है, एट द सेम टाइम वीकनेसेस वालों पर फोकस करना है. कोई भी टॉपिक्स हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है. जैसे कोई बोलेगा कि आरसीज नहीं आ रहे फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, बट आरसी इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, स्नैप में आरसी पूछा जा सकता है, पहले पूछा है, अभी पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साल भी नहीं आएगा. ठीक है, तो यू कांट इग्नोर एनी ऑफ द टॉपिक्स. तुम्हारे पास बहुत ही टाइम कम है तो ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट का एकदम वर्स्ट केस सिचुएशन इग्नोर करो. ऑलराइट, तो वीकनेसेस वाला क्या कर सकते हो कि तुम प्रॉपर की कंसेप्ट वीडियो पढ़ना है, मतलब कंसेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, उस पे से टेस्ट देना है, सॉल्व एग्जांपल्स देखो, ये सब प्रॉपर वीकनेसेस वाले टॉपिक्स वैसे पढ़ने. स्ट्रेंथ्स वाले टॉपिक्स तुम सिर्फ फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑब्वियसली मैपिंग दिस टॉपिक्स विद टीबीटी मैट्रिक्स. आई होप दैट इज क्लियर.
अभी तुम थर्ड पॉइंट क्या करोगे, बेसिस ऑल दिस, बेसिस पॉइंट नंबर वन, ठीक है, डायग्नोस्टिक मॉक्स से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बेसिस पॉइंट नंबर टू टीबीटी मैट्रिक्स, टारगेट सेट करोगे अभी कि मुझे इतने इतने टॉपिक्स प्रॉपरली पढ़ने क्योंकि वो मेरे वीकनेसेस है और वो इंपॉर्टेंट है, इतने इतने टॉपिक स्ट्रेंथ्स है तो उस पर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस वाले मैं वीकली लेट से कि 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, वीकनेसेस वाले वीकली मैं इतने तीन टॉपिक्स चार टॉपिक्स डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे कितने वीकनेसेस है कंप्लीट करूंगा या करूंगी, दैट इज यू हाउ यू हैव टू प्रेप, ठीक है। टारगेट सेट करो टाइम टेबल में, आई डोंट बिलीव नन ऑफ द बोधी ट्री स्टूडेंट्स फॉलो टाइम टेबल, वी डोंट एनकरेज दैट, ठीक है, क्योंकि आज तुम सेट करोगे एक हफ्ते बाद का टाइम टेबल एंड यू डोंट नो कि एक हफ्ते बाद तुम्हारा मूड किसका रहेगा, तो वीकली टारगेट सेट कर रहे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आज किसका मूड है कल किसका मूड है, बस वो वीक में तुम्हें वो टारगेट्स मीट करने, टाइम टेबल नहीं सेट कर रहे हम लोग, आई होप दैट इज क्लियर। टारगेट सेट करो, टारगेट्स में तुम फिर प्रैक्टिस का डालो, वीकली टेस्ट का डालो, अग्नि परीक्षा का डालो, ठीक है, कि ये टॉपिक्स मुझे कंप्लीटली कंसेप्ट वीडियोस से लेके सॉल्व एग्जांपल्स, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, कंसेप्ट क्विजेस सब देना है, वैसे डालो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे तुम्हारा प्रेप अच्छा होगा देन वील इंक्लूड मॉक्स ऑल्सो इन टारगेट्स, कि ये हफ्ते मुझे दो मॉक्स देने, अगले हफ्ते मुझे तीन मॉक्स देने, ऑलराइट, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा, अगर डायग्नोस्टिक मॉक में ही बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है, कि मेरा 60 में से आई एम एबल टू स्कोर 45 प्लस 50 प्लस ऐसे स्कोर आ रहा है, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन मॉक्स, ठीक है, कि मॉक्स ही दो, स्ट्रैटेजीज चेंज करो, आइट्रेशन करो, पर तुम्हारा स्कोर ही नहीं आ रहा, मतलब तुम्हारे कंसेप्ट्स में गैप्स है, तो उस हिसाब से यू हैव टू सेट योर टारगेट्स, ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर। फिर आएगा जैसे मैंने बोला मॉक्स एंड रिविजन, नाउ मॉक्स पे लेटर पार्ट में सब लोगों को आना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा 50% ही सिलेबस हुआ है, 70% ही हुआ है, तुम्हें कभी ना कभी मॉक्स पे आना है, एटलीस्ट ट्राई सॉल्विंग 5 to 10 मॉक्स, ठीक है, कि जिनका स्कोर कम आ रहा है 5 to 10 मॉक्स, जिनका बहुत स्कोर आ रहा है वो 10 to 15 मॉक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हें स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर मॉक्स एंड रिविजन ऑब्वियसली सबको ही करना है, रिविजन विल कम एट अ लेटर स्टेज, जैसे हमारे पास अभी 2 महीने, ऑलराइट, एटलीस्ट फर्स्ट मंथ पूरा तुम लोग कंसेप्ट पे, वो एक डायग्नोस्टिक मॉक देना है उसके बेसिस पे, उस पर अगर तुम्हारा स्कोर बहुत ही कम आया तो पहला मंथ पूरा फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, उसमें तुम्हारा स्कोर अच्छा आया, ठीक है, कि लेट से कि 45 प्लस आया, ऑलराइट, कि हाँ SIBM के मेरे चांसेस हाई, देन उसमें भी तुम फर्स्ट मंथ में भी रिविजन के साथ मॉक्स दे सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया, अगर नहीं आ रहा तो जैसे मैंने बोला कि फोकस ऑन कंसेप्ट एटलीस्ट पूरा पहला मंथ, फिर पहले मंथ के बाद हम लोग एक मॉक देंगे, ठीक है, फिर वो मॉक में गेज करेंगे कि डायग्नोस्टिक मॉक, ठीक है, वर्सेस अभी जो मॉक दिए 1 महीने बाद, स्कोर का कितना डिफरेंस है, मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कैसे है, स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेंथन हुए हैं क्या, वीकनेसेस से लेके कुछ चेंज होके स्ट्रेंथ में गए हैं क्या, वो सब देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज एज यूजुअल यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, वो कैसे करना है, ये कब करना है, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ऑलराइट। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, ये तुम्हें ना जनरली मतलब मैंने देखा है कि गलत बताते हैं, बीट फॉर सी मैट, ठीक है, बीट फॉर स्नैप, कि वो क्या बताते हैं कि देखो एक तो स्नैप में तुम्हें ऐसे सेक्शनल कट ऑफ वगैरह नहीं रहेगा कि इसमें इतना ही चाहिए स्कोर, नहीं तो तुम्हें SIBM पुणे नहीं मिलेगा, प्लस अभी क्या है कि हमारे पास +1 -0.25 है मार्किंग स्कीम, ठीक है, तो मैंने देखा है कि बोलते कि नहीं नेगेटिव मार्क्स है तो सारे अटेम्प्ट मत करो, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि CET में कैसा है कि CET में ना हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आते हैं, वो अलग बात है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्नैप में क्या होता है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, अगर मैं सारे ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल लेता हूँ कि हाँ 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 सही होने की प्रोबेबिलिटी ABCD, ठीक है, मैं 4 questions अटेम्प्ट करता हूँ उसमें से मेरा 1 question प्रोबेबिलिटी, अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो 4 questions अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 1 सही आ सकता है, 3 गलत आ सकते हैं, तो 1 सही आ रहा है तो मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे 1, तो +1, 3 गलत आ रहे तो मार्क्स कितने कटेंगे -0.75, तो 0.25 का तभी भी मैं पॉजिटिव में हूँ, हैंस अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, 60 के 60 अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है, 60 के 60 अटेम्प्ट करके आओ, इट्स फाइन। ऑब्वियसली हमारा तुक्का स्ट्रैटेजी का वीडियो देखो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे हम लोग, कि तुक्के भी कैसे मारने,
ऐसे उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है. यस आई नो यू हैव हर्ड इट राइट, कि स्ट्रैटेजी होती है हर चीज़ में. तुक्का मारना है उसके पीछे भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए. आइडियली अगर तुम लोगों ने चार ऑप्शंस में से दो एलिमिनेट किए ठीक है, तो 100% फिर तो मार्क करना ही तुम्हारा अभी प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड कि तुम उतने कॉन्फिडेंट हो ठीक है, नहीं तो रैंडम दो एलिमिनेट कर रहे हो वैसे नहीं कि हाँ ये चार ऑप्शन है इसमें से आई एम श्योर कि ये दो एलिमिनेट कर सकता हो, दो में से ही सही रहेगा. तो यू हैव इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर फ्रॉम 25 to 50%, ड्रामेटिक इंक्रीज है ठीक है, 100% इंक्रीज है 25 से 50. ऑलराइट, तो वो ध्यान दो. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन मॉक्स, इसलिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट गाइस, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यही डिस्कस करना था ये वीडियो में. जैसे मैंने बोला था कि वी ये जो बोधी विजन शीट है इसके बेसिस पे मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ कवर किया है. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर रिविजन ठीक है, रिविजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा. और जो लोग कुछ कुछ टॉपिक्स इग्नोर कर रहे हैं एटलीस्ट बोधी शीट में से तो भी तुम कवर करो, तुम्हें फ़ायदा होगा ठीक है. तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी. पूरा सब कुछ कवर्ड है, तुम देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट या अलग अलग जो इंटीजर्स है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ये सब हम लोगों ने ज्योमेट्री हो गया कि कोई ज्योमेट्री छोड़ दिया कि नहीं, ज्योमेट्री के एक दो क्वेश्चन ही आते मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट बोधी विजन से कवर करो ठीक है. तो बहुत बड़ा है, 30-35 पेजेस का शीट है. ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेगा आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, हम लोग ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं. ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन भी आए. टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे कॉन्स, LR, वर्बल के भी क्वेश्चन डाल रहे हैं. वो कैप के अलग से आती है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ऑलराइट, करंट अफेयर्स क्वीज आ रहे हैं जो सीमैट के लिए प्रेप कर रहे हैं, जैक्ट के लिए प्रेप कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस करके हम लोग डालते हैं, वो भी अलग से आ रहा है वहाँ पे, वो भी हेल्पफुल रहेगा तुम्हें ऐसे एग्जाम्स के लिए जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछते. यूट्यूब पे तो आते ही अपडेट्स देते रहते. ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.